हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज ऑफिशियल अनामिका। फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं आ चुकी हूँ ऑन यूट्यूब विद दिस प्लेस कॉल्ड बर्गर इंडिया, और यहाँ पर हम लोग ट्राई करने वाले हैं बर्गर। अगर आपको पसंद है इस तरह के वीडियो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय चैनल और इसके साथ साथ लाइक आई बटन प्रेस कर देना। सो विदाउट फर्दर डू लेट्स जंपिंग अ वीडियो। ये रहा बर्गर इंडिया, तो देर किस बात की है, अब चलिए अंदर का सैर कराते हैं आपको। और अभी मैं ऑर्डर की हूँ एक चीज़ बर्गर, सॉरी वेज चीज़ बर्गर और एक स्ट्रॉबेरी शेक। तो हमारा ऑर्डर आ ही जाएगा कुछ देर में, तो खाते हैं। अगर आप यहाँ आ चुके हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में एक्सपीरियंस अपना जरूर शेयर करें। A few minutes later. और ये रहा स्ट्रॉबेरी शेक और इधर वेज चीज़ बर्गर, देखने में काफ़ी टेस्टी लग रहा है। चलो खा लेते हैं, इतना क्यों दिखाना है, अदरवाइज आपको भी पानी आ जाएगी। तो चलो पहले खाते हैं फिर आपको बताते हैं। Yes, बहुत ही फ्रेश था और बहुत ही अच्छा था, हेल्दी था। बात करूँ यहाँ की बर्गर की, तो मुझे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा और फ्रेश लगा है। बाकी जगह पर खाओ तो कुछ चीज़ें फ्रेश होती है तो कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती है, और मुझे यहाँ का पर्सनली मैं अगर बताऊँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। इतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगा है कि अगर मेरा घर यहाँ पास ही होता तो मुझे लगता है हफ्ते के चार दिन में यहीं जाती और मेरा हैवी वेट हो जाता। मेरे भाई की आप बातों से समझ ही गए होंगे कि उसे कितना ज़्यादा पसंद आया है। तो चलिए अब यहाँ के जो ओनर है उनसे हम थोड़ा कुछ बात करते हैं, पता करते हैं कि कब खुला, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, उनसे बात करते हैं। वैसे मैं डिटेल डाल दूँगी, आप जाकर एक बार चेकआउट कर देना। मैं तो आपको जानती हूँ, पर जो नहीं जानते उनको आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम
बर्गर इंडिया का कॉन्सेप्ट हम लोग आज से 2 साल पहले लाए थे मुजफ्फरपुर में। उस समय बर्गर के काफी कम शॉप थे, जैसे स्लाइस बर्गर में हम लोग डील करते थे। हम लोग के पास मोर देन 35 बर्गर की वैरायटी है, जिसमें वेज कम गई। इधर हम लोग ने अभी रिसेंटली मटन फिश लेकिन अगली बार मैं आऊंगी तो वो खा करके उसका भी टेस्ट बताऊंगी। बाकी यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, एकदम फ्रेश। मेरे को तो ऐसा फील हुआ काफ़ी फ्रेश है और बाकी जगह से मेरे को अलग इसका टेस्ट लगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग जरूर आए। अगर आप आ चुके हैं तो यहाँ पे आकर आएंगे तो कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन बताएं कि आपको कैसा लगा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, जरूर हो सकता है। कोविड के चलते थोड़ा सा हम लोग को दिक्कत हुई है, बट हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सस्टेन करें और साल में अच्छी क्वालिटी और बर्गर्स हम लोग होम डिलीवरी भी करते हैं, स्विगी पे भी है और जल्द हम लोग जोमेटो पे भी आए और जल्दी ही एक और रेस्टोरेंट हम लोग प्लान कर रहे हैं। लोकेशन वो रामदयालु में होगा और गेम थीम बेस्ड होगा, आउटडोर रेस्टोरेंट होगा, लेकिन थीम हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्रिकेट है क्रिकेट के सराउंडिंग ही रहेगा क्योंकि क्रिकेट जो है यूथ का जो है पहला पसंद है, लेकिन इसको और हम लोग उसमें कुछ गेम्स इंक्लूड करेंगे तो जल्दी हो होपफुली नेक्स्ट मंथ तक हम लोग। उसके लिए आपको वेट करना होगा, अभी रिवील नहीं होने वाला है कुछ भी, वेट करना होगा। और ज़्यादा आपको एक्साइटमेंट है तो आप बर्गर इंडिया आकर के विजिट कर सकते हैं, या फिर आप बर्गर खा करके साथ में भैया के साथ में आप बात करके आप पता कर सकते हैं। अभी वैसे रिवील होने वाला तो है नहीं। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। तो कैसा लगा आपका बर्गर इंडिया का विजिट आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आप लोग अपना ख्याल रखें, कोरोना काल है तो आप लोग खुद ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, मुझे भी है, इसलिए मैं ऑलवेज मास्क कैरी करके चलती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब मास्क क्यों नहीं हटा करके चलती है, तो क्योंकि कोरोना भी खत्म नहीं हुआ है, तो मुझे लगता है मेरे साथ साथ आप लोग को खुद का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आज को ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय गाइस, टेक केयर, टाटा।